वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ कैफ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड के पहले आप वो देख लें और फिर इस वीडियो पे आए। इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग कैफ 7, 8 and 9। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आ जाते हैं फाइनल कॉम्बिनेशन पे जो कि है C3 और उसका पहला पेपर है FAR2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 2 जो कि पहले इंट्रो से ऊपर अपग्रेड होकर FAR1 हुआ फिर FAR2 हो गया। तो इसमें एडवांस लेवल है FAR1 का, नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं, नए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, ये कोई वो नहीं है कि कहीं कोई गाइडलाइंस हैं कि इस तरह पेपर पास होता है, ये करना होता है, ये वही है जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है या फिर टीचर्स ने मुझे बताया, उनकी गाइडलाइंस फॉलो की हैं, तो वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो FAR2 में जो है वो मैं समझता हूँ कि FAR1 और FAR2 का डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो सेम ही है समवॉट, क्योंकि FAR1 जो है मुझे मुश्किल लगा था और FAR2 में जब मैं था तो मैं कह रहा था यार मुश्किल है मगर उतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ये बात साबित होती है कि जो अकाउंटिंग का पेपर है ना उसमें जब मैं इंट्रो में था तो जो सीनियर्स थे वो कहते थे यार तुम FAR2 में आओ बच्चे तुझे पता लगेगा FAR2 FAR1 हुए 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 ये होते हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाने का स्टाइल और अगर आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने का स्टाइल और वही चीज़ है, वही बेसिक्स से लेके आपको उठाना तो जो है ना वो मतलब सिमिलर रहता है, तो इसलिए जो इतना फ़र्क नहीं फील होता है। यानी आपको होता है कि अच्छा उसी तरह टाइप का पेपर दे रहा हूँ, उसी तरह पास होना है, वही सारी चीज़ें करनी है, तो इसीलिए थोड़ा आसान हो जाता है। अदर देन डैट FAR2 में जो है वो दो टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी मुश्किल हैं, जो कि मतलब मेन टॉपिक्स हैं वो एक तो IS-12 टैक्सेशन डेफर टैक्स और दूसरा है कंसोलिडेशन। हम लिखें जब आप CFAP में आते हो तब जो आप कंसोलिडेशन पढ़ते हो तो आपको FAR2 की कंसोलिडेशन भूल जाती है, और CFAP में भी मैंने मतलब कुछ क्लासेस तो ले लिया है अकाउंटिंग की जो उसमें रिपोर्टिंग है उसका FAR2 का भी अगला लेवल, तो वो भी यानी वो भी ऐसे ही है, वो भी उसमें भी वही गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है जो कि कैफ में करनी है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली बढ़ता रहता है। तो उसमें कंसोलिडेशन है मेन जो कि FAR2 में भी और फिर आगे रिपोर्टिंग में भी जो कि आपको ऐसे निचोड़ देती है। तो इसकी अगर हम पासिंग रेशो की बात करें तो स्प्रिंग 19 में थी 38.8%, स्प्रिंग 20 में 49.8%, और स्प्रिंग 20 कह रहा हूँ ऑटम 20, और स्प्रिंग 20 में थी 30%। तो स्प्रिंग जो ये है 20 इसमें कम हुई है काफ़ी, और सिर्फ 899 स्टूडेंट्स पास हुए हैं आउट ऑफ 2970। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है पेपर जो है वो मुश्किल आया होगा कदरे। ओके सो नेक्स्ट इज सी मैक कैफ 8 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी एक अकाउंटिंग का पेपर हो गया विच मेक्स के टोटल 4 पेपर जो हैं आपके 9 में से वो अकाउंटिंग के हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अकाउंटिंग ही है जो कि एक मेजर चीज़ है आपके CA में। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है बेसिकली डील करती है वो कॉस्टिंग से और इन्वेंट्री से डील करती है, और मैं ये समझता हूँ कि कॉस्टिंग जो है वो कैफ का सबसे मुश्किल पेपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुश्किल है तो है, और काफ़ी टेक्निकल पेपर है और पास करना भी मुश्किल है और समझना काफ़ी मुश्किल है इस पेपर को, क्योंकि थोड़े सी वेरिएशन भी है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में आप जब एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होता है इस तरह डील करने, कॉस्ट में थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें सिनेरियो बन जाता है, तो इसलिए फिर मसला होता है। बाकी इस पेपर को किस तरह पास करना है तो भाई पढ़ के पास करना है और तो कोई चारा नहीं, वही टीचर्स की गाइडलाइन फॉलो करो, टीचर्स से सवाल करो अगर कुछ समझ नहीं आ रही, और फिर यही है कि बेसिक्स से लेके चलो और ऊपर आते रहो, और वही एग्ज़ाम लेवल। हाँ एक और बात याद रखें कि पेपर की तैयारी तो बंदा कर लेता है अब, लेकिन होता क्या है कि आपने सारी तैयारी के लिए आपको पूरा पेपर आता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और 3.25 घंटे का एक टाइम लिमिट है ना, उधर जो प्रेशर हैंडल कर लेता है ना उस पेपर का वो पास हो जाता है। अगर आप उस टाइम प्रेशर हैंडल ना कर सको, अगर आपका जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे दोस्त के साथ भी ये हुआ था कॉस्ट के पेपर में, कि सवाल जो है वो काफ़ी मुश्किल थे हमें, यानी हमने एक सवाल किया नहीं हो रहा, दूसरा सवाल किया नहीं हो रहा, तीसरा सवाल किया नहीं हो रहा, तो आप टेंशन हो गई कि क्या करें। लेकिन उस टाइम पे ना आपको फिर अपने आप को अपनी होप्स अप करनी होती है, आपको फिर वो अपने टीचर की बातें याद करनी होती है जो कि वो 6 महीने से कर रहा होता है कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है,
वो इस तरह करना है कि जो आपको आता है वो करो, जो नहीं आता उसमें से जो आता है वो करो। और आपने ये नहीं कि हाँ, एक और चीज़ बात से बात निकल रही कि 3 मिनट का पेपर है ना, तो आपने एक मार्क को आपने 1.8 मिनट देना है या 1.6 कितना होता है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ यानी कि हाँ, 20 नंबर का अगर सवाल है तो उसको आपने 36 मिनट देने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं। हाँ, 1.8 वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं कि आपने 36 मिनट में करना है। और फिर ताकि आप जो है, अगर आप एक सवाल में जो है वो फंस जाएंगे कि नहीं यार ये मैंने करके ही आगे जाना है, और आपको आता होगा लेकिन आप उसमें फंस जाएंगे और आप उस 20 सवाल में 1 घंटा लगा देंगे, तो आपको जो आता होगा वो भी रह जाएगा और इसमें भी आपके नंबर कट जाएंगे, और इस तरह बच्चों के पेपर फेल हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन एक चीज़ है कि एग्ज़ाम में मतलब लोग बताते हैं कि यार मेरा पेपर इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं उस सवाल में लग गया था, मैंने बाकी इसके सवाल जो है मैंने कहा यार ये करता हूँ अरेंट पेपर, टाइम नहीं बचा था। तो ये एक चीज़ है, ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है जो कि हर पेपर में अप्लाई होती है कि आपने किस तरह जो है उस पेपर को हैंडल करना है। अब अगर हम इसकी पासिंग रेशो की बात करें तो स्प्रिंग 19 में थी 41%, स्प्रिंग ऑटम 19 में हो गई 31%, और इस दफ़ा बढ़ी है स्प्रिंग बढ़ी में 48%। तो ये अच्छी परसेंटेज है, इसी वजह से है कि काउंटिंग का पेपर है तो काउंटिंग के पेपर में आप 50 नंबर ले सकते हैं, अदर देन दैट पेपर मुश्किल है। अब बात करते हैं आखिरी पेपर की जो कि है CAP 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस। वैसे तो ये एक बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है और मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया था इस सब्जेक्ट पढ़ के, शायद इसलिए भी क्योंकि मैंने ये जो है जब पेपर दिया था तो ये इकलौता पेपर मेरा रहता था और ये मैंने अकेले दिया था, तो इसलिए कोई इस तरह प्रेशर नहीं था कि बाकी पेपर भी पढ़ने हैं, तो मैंने आराम से तसल्ली से इसको पढ़ा और समझा। लेकिन इस पेपर में मसला ये है कि ये थ्योरेटिकल है और ये कॉन्सेप्चुअल है और ये लॉ से सिमिलर पेपर है, यानी इसमें प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और उसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि लॉयर्स और ऑडिटर्स जो है वो प्रोफेशनल जजमेंट पे ही चल रहे होते हैं, तो CA में वही पढ़ाया जाता है जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है आगे जाके। और ऑडिट तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, अगर आपने ऑडिट में आगे जाना है, अगर टैक्स में जाना है टैक्स एप्लीकेबल है, उसमें भी ऑडिट एप्लीकेबल है, लॉ भी एप्लीकेबल है साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए मुश्किल हो जाती हैं। और एक और मसला इसमें रीज़न ऑफ फेलियर में बताता हूँ, इसमें बच्चे क्यों रह जाते हैं क्योंकि बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड है, रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं उसमें जो है आपके, जो आगे जाके आपने जब ये पेपर पास करके KF के जब आपने आर्टिकल्स अपने स्टार्ट करने हैं उसमें जो आपने प्रैक्टिकली करना है ना वो आप पहले से पढ़ रहे हो। अब आपको जब पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है तो जब आप वो बुक पे देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आती, तो मतलब पेपर पास करने के बाद भी लोग रट्टे लगा के या समझ सोच के कहीं कहीं से पेपर पास कर लेते हैं, लेकिन जब वो फर्म में जाते हैं ना, जैसे जब मैं फर्म में गया था मुझे ऐसे ऑडिट समझ आया कि अच्छा असल में ये हो रहा था और ये वाउचिंग ट्रेसिंग ये सारी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ये सारी जो चीज़ें थी ये ऐसे अप्लाई होती हैं इसमें, ये जो रिपोर्टें हैं सारी ये सब ये है। इसीलिए इस पेपर की जो रेशो है वो कम है, और पहले इस पेपर की जो है वो रेशो ज़्यादा होती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पासिंग रेशो कम हो रही है। उसकी वजह ये है कि अब इसमें सिनेरियोज बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जामिनर टेस्ट करने लगा है, तो सिनेरियोज में कोई प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, इसी वजह से इस पेपर में भी बच्चे रह जाते हैं। तो अगर हम इसकी पासिंग रेशो की बात करें तो स्प्रिंग जो है 19 उसमें थी 21.2%, ऑटम 19 जिसमें मैंने भी ये पेपर दिया था उसमें थी 24.9%, और फिर इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में बढ़ गई है 40.6%। और इस दफ़ा पता नहीं पेपर आसान था या क्या था या जो भी था, लेकिन मेरी दफ़ा भी पेपर मुश्किल नहीं था, पेपर आसान था लेकिन ज़ाहिर है रह गया बच्चों का क्या कर सकते हैं उसमें। यानी हार्ड एंड फास्ट रूल तो अब किसी पेपर का नहीं है कि अगर मैं कहूँ आपको कि जी मैंने जो भी बातें की हैं ये सारी आप A to Z मान लें तो आपको पेपर यकीनन पास हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी डेली लाइफ पे, आपकी डेली हसल पे, बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं ताकि आप इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करें और पास करें। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक वीडियो बना दी आपने वीडियो देख ली लो जी पेपर पास, ये नहीं है। जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है उसमें आपकी आपके टेम्परामेंट के हिसाब से क्या होगा
तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको मद्देनजर रखने होते हैं। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं कि जो है जैसे कि पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ना आपने यहाँ से है कि अगर हम चलो सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, इंट्रो FAR 1 FAR 2 कॉस्ट, ये तो आपने अपने टीचर्स से ही पढ़ना है, वो आपको नोट्स देंगे, और दूसरा पास पेपर से, पास पेपर्स की बुक्स आती हैं वो ले लें, तो ये प्रैक्टिस करनी है उसमें मेजर, तो वो तो वहीं से करनी है। इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी आई कैप स्टडी टैक्स से पढ़ना है, बिजनेस लॉ आई कैप स्टडी टैक्स से पढ़ना है, टैक्स जो है वो आई कैप स्टडी टैक्स प्लस पास पेपर्स, भी सब में इन्वॉल्व है लेकिन इसमें स्पेसिफिकली कह दिया, तो ये और बाकी आपके टीचर की इन्वॉल्वमेंट और ऑडिट भी आई कैप स्टडी टैक्स ही। अब काफ़ी जो है वो इंस्टीट्यूट्स ने अपनी किताबें भी निकाली हुई हैं कि जी हमने सिंप्लीफाइड वर्जन निकाला हुआ है आई कैप का, तो वो मैंने देखी हैं वो किताबें, मैंने उनसे पढ़ा भी, यानी इतना नहीं पढ़ा लेकिन वो हेल्प करती हैं, लेकिन अगर आप खाली उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे ना कि खाली आपने वही पढ़ी और आई कैप की बुक को आपने साइड पर कर दिया, तो वो बहुत ही जो है ना वो बहुत ही डिजास्ट्रस आपका डिसीजन होगा, क्योंकि आई कैप के जो स्टडी टैक्स है ना पेपर उसी में से आता है, मोर और लेस मतलब सिनेरियोज होते हैं, मगर वो इम्प्लाय वहीं पे हो रहे होते हैं और उसी की वर्डिंग जो है वो आपको अगर याद रहेगी तो वही आप रिप्रोड्यूस करें तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप स्टडी टैक्स किसी और इंस्टीट्यूट का लेके उसमें जो आसान वर्डिंग है वो याद कर लें या वो समझ लें, क्योंकि उसमें काफ़ी बातें जो है ना वो मिस कर जाते हैं काफ़ी, क्योंकि आई कैप एक डिटेल्ड होता है और जाहिर है जो उसकी आई कैप से जो उन्होंने अपना लेके बनानी है उसमें कुछ बातें मिस होंगी ना, वो एक समरी होगी, तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो कोई और स्टडी टैक्स थ्योरी के लिए यूज़ करें। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ज़रूर कर सकते हैं, मगर अगर आप उसको ही खाली मानेंगे या उसी को खाली पढ़ेंगे तो वो अच्छा डिसीजन नहीं। बाकी ये कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, तो जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो तो खुद ही आपका टाइम खींच लेंगे, उसकी तो आपको टेंशन ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा पढ़ने बैठेंगे तो वो खींचते रहेंगे, हाँ ये शर्त है कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी हो। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी आपकी टेम्परामेंट और आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपने जो पिछले कितने कोई आप कॉलेज तक कितने साल हो गए, 10, 12, 13, 14 जितने भी साल पढ़े हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पिछली एजुकेशन कैसी थी, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप जो है ये वाली बुक्स और ये वाले सब्जेक्ट्स कितने टाइम में समझ सकते हैं, कितने टाइम में जो है इनको पढ़ सकते हैं, तो ये बंदा वेरी करता है। मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि यार आप बता दें आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, तो अगर मैं बता भी दूँ तो वो तो मुझे उतने घंटे चाहिए ना दिन में पढ़ने के लिए, ज़रूरी तो नहीं कि आपको उतने घंटे चाहिए, वैसे ऑन एवरेज भी अगर बात करें तो अगर आप नॉर्मल डेज में दिन में 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो वो मोर देन इनफ होता है फॉर सम केसेस, नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैं फॉरवर्ड प्रेसिडेंट आई कैप और प्रिंसिपल बैक जाफर हुसैन साहब की बात कोट करना चाहूँगा जो कि उन्होंने तब कही थी जब मैंने सीए शुरू किया था और हमारी ओरिएंटेशन थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा चलिए फ़र्ज़ करें आपने दिन में 2 घंटे पढ़ना है तो ये हफ्ते के कितने दिन बन गए, अगर आप संडे निकाल दें तो ये बन गए, अगर आप संडे की छुट्टी लगा दें तो ये बन गए 12 घंटे आपने हफ्ते में पढ़ना है, तो ऐसा कर लें कि सिर्फ संडे को पढ़ लिया करें 12 घंटे। तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन इस तरह किया था कि सपोज़ करें कि आप जो है फिर नाश्ता भी सिर्फ संडे को कर लिया करें 6 के 6 दिन का, बाकी दिनों में ना किया करें, तो कहने का मकसद उनका ये था और मेरा भी कहने का मकसद ये है कि आपने पढ़ना तो है जितनी भी देर पढ़ना है, मगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तभी जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बैठती हैं। अच्छा, अब आपने मेहनत तो कर ली, बहुत पढ़ा, बहुत दिल लगा के पढ़ा, बहुत घंटे लगा के पढ़ा, लेकिन आपका पेपर पास नहीं हुआ, तो उसकी भी एक वजह ये होती है कि एक तो क्योंकि पेपर मुश्किल तो है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जी पेपर आसान है, पेपर तो है ही मुश्किल, लेकिन करना क्या होता है कि आपने हार्डवर्क तो किया मगर उस हार्डवर्क को ना सही डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हर पेपर की ट्रू एसेंस को समझना पड़ता है कि यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है और एग्जामिनर की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह के आंसर पे आपका पेपर पास करेगा। डैट बीइंग सेड इम्पॉसिबल नहीं है सीए, अगर इम्पॉसिबल होता तो एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होता, जबकि इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन ये है कि रेशो बहुत कम है, यानी जितने लोग सीए में आते हैं उसमें से मेरा ख्याल है 20% शायद
जो है कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए रेशियो कम है और हर किसी का टेम्परामेंट नहीं होता कि वो जो है सी ए मतलब पास कर सके। तो इसीलिए आने से पहले थोड़ा अगर आपको मतलब एक तो ये है ना कि आना बहुत आसान है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह होते हैं कि जी मेडिकल से रिजेक्शन हो गई, इंजीनियरिंग से रिजेक्शन हो गई, लो जी सी ए में आ जाओ क्योंकि कोई क्राइटेरिया तो है नहीं आने का। तो इस वजह से भी ये एक आता है गैप लोगों का कि वो शुरू में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हुए आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर आउट होते जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। बाकी बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार मैं सी ए में आ जाऊँ, तो यार ये सवाल ना किया करें, इसका मैं क्या जवाब दूँ? मतलब ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैंने आपको कभी देखा है, ना मुझे पता है कि आप किस तरह के हैं, क्या आपका पढ़ने का स्टाइल है, क्या है, मैं किस तरह बता सकता हूँ कि आप सी ए में आ जाओ या नहीं आ जाओ। वो तो आपको अपने आप को खुद एनालाइज करके आना है, डिसीजन लेना है ना उसमें। तो इस तरह के सवालों को मैं इसलिए जनरल एड्रेस नहीं करता। हाँ एक और बात, एक तो यार बातें ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा वो बात ये है कि वो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड ही है कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते स्टूडेंट्स और जो है टेम्परामेंट नहीं मेंटेन कर पाते। तो उसमें मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जब मैंने शुरू किया था एफसी, वहाँ पे हमारा एक सीनियर था, उसने ये बात कही थी, वही बात मैं आपको बता देता हूँ। उसने ये कहा था कि आप जो है इस तरह पढ़ें कि आप जो है रोज़ की रोज़ दिहाड़ी लगा रहे हो, तो दिहाड़ी लगा रहे हो आप 6 महीने की और फिर आप जाके आप 6 महीने बाद आपको आपका पर्चा है उस पर फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने जो 6 महीने की दिहाड़ी लगाई है और जब आप पेपर में बैठे हैं तो ये सोच के बैठे कि यार मैंने पिछले 6 महीने दिहाड़ी लगाई है, अगर मैं पास नहीं होगा मुझे 6 महीने मज़ीद दिहाड़ी लगानी पड़ेगी। और ये चीज़ हर दिन सोचें, ये चीज़ हर दिन सोचें कि मैंने जो है दिहाड़ी लगानी 6 महीने और दिहाड़ी नहीं लगानी, ये 3 घंटे हैं, इस 3 घंटे में मैंने पेपर पास करके निकलना है चाहे जो मर्जी हो जाए। और टीचर्स भी यही कहते हैं पेपर जब पेपर करीब आते हैं तो उनका आखिरी जो उनके हमारे मोटिवेशनल अल्फाज होते हैं वो यही होते हैं कि पेपर में बैठ के आपने बस अब कहना है कि मैंने ये पेपर पास करके ही उठना है। काफ़ी लोग जो है पेपर देख के मायूस हो जाते हैं और बीच में होप छोड़ देते हैं, बीच में ही सोच लेते हैं कि यार ये पेपर पास नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये आपका जो है ना फिर अपनी माइंड गेम होती है कि आपने किस तरह उसको फिर हैंडल करना है और किस तरह बस आपने क्या कहते हैं हिम्मत बांध लेनी है कि बस मैंने उसको पास करके ही निकलना है। ये सारी बातें थी, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई है, मैंने डिटेल में सारी जो है कैफ के बारे में आपको बता दिया है और मेरा नहीं ख्याल कि और किसी बात की गुंजाइश रहती है। तो उम्मीद है कि इससे इन सारी वीडियोस से आपकी कोई मदद हुई हो और आपके आगे काम आए। तो फिर जो है इजाज़त और अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।